आरा में आचार्य क्लासेस का आगमन हो चुका है। बेगूसराय, छपरा, पटना, रांची के बाद आरा में आचार्य क्लासेस के ओपनिंग के साथ ही शिक्षा में संभावनाओं के नए द्वार इन्होंने खोल दिए हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर क्लास 8 से लेकर 12 तक की पढ़ाई की जाती है और इसके अलावा मेडिकल और इंजीनियरिंग की भी पूरी तैयारी है। इनके फैकल्टी से अगर हम बात करें तो उनका कहना यह है कि जिन पढ़ाइयों के लिए, यानी कि जैसे हम मेडिकल और इंजीनियरिंग की बात करें, इसके लिए जहां बिहार के छात्रों को कोटा या फिर देश के दूसरे बड़े हिस्सों में जाना पड़ता था, अब उनको यहां से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि शिक्षा की एक बेहतर क्वालिटी आरा में देने की कोशिश की गई है। तो आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके फैकल्टीज़ कौन हैं, इनके टीचर्स कौन हैं और वो कैसे काम करते हैं और आरा में कोचिंग खोलने के पीछे के उनके प्लानिंग्स क्या हैं। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि यह जो कोचिंग सेंटर है वो आरा के कतिरा स्थित ओवरब्रिज के पास स्वास्तिक बिल्डिंग में ओपन किया गया है। तो इसकी हम पूरी कहानी बताएंगे, आप इस वीडियो में बने रहें। मेरे कंप्यूटर में ये पीपीटी है, ये पीपीटी में 10 साल बाद भी खोलूंगा भाई एसकेएस ऐसे लिखेगा, लिखेगा कि नहीं लिखेगा, लेकिन मुझे क्या 10 साल बाद अगर मैं सोचता हूँ कि आराम में जाके मैंने क्लास 9 में मैंने एक सेमिनार लिया था, तो उस सेमिनार में क्या मुझे सबके चेहरे भी याद रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे, मैं भूल जाऊँ, राइट? क्योंकि मेरा ब्रेन जो है सॉफ्टवेयर नहीं है। नाउ प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ इंटरनेट से, जहाँ पे मैं यूट्यूब से वीडियोज देख रहा हूँ, सॉल्यूशन देख रहा हूँ, लेकिन मुझे लिखना है पेन और पेपर, मुझे पढ़ना है बुक्स। क्योंकि स्कूल में तो ऐसा अलाउ नहीं किया है, मुझे नहीं लगता कि आरा में कोई भी ऐसा स्कूल होगा जहाँ पे सिर्फ मोबाइल से ही पढ़ना है। आरा में ऐसा कोई भी कोचिंग है आरा और पढ़ने का हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिगांता कोटोकी। मैं बेसिकली असम से हूं और मैंने अपना स्कूलिंग असम में किया है, जेएनवी गोलाघाट जवाहर नवोदय विद्यालय। उसके बाद मैं भुवनेश्वर गया, भुवनेश्वर में मैंने आरआई भुवनेश्वर में मैंने पढ़ाई किया बीएससी बीएड, एंड देन आई मूव टू कर्नाटका। कर्नाटका पे मैंने एमएससी किया इन कोयम्पू यूनिवर्सिटी इन बॉटनी। उसके बाद मैंने एमएड किया फ्रॉम असम यूनिवर्सिटी सिलचर। मैंने एक स्कूल में काम किया इन बेंगलोर, जहाँ पे मैंने एज पीजीटी बायोलॉजी इन पीपल ट्री स्कूल, एंड देन आई हैव मूव टू अवंती लर्निंग सेंटर्स, जहाँ पे मैंने डिफरेंट लोकेशंस पे जैसे अजमेर, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट पे मैंने काम किया, एंड देन आई हैव जॉइंड वन एसओएस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल एसओएस चिल्ड्रन विलेज, जहाँ पे मैंने लगभग 1.5 ईयर्स काम किए, एंड देन आई हैव मूव टू आचार्य क्लासेस, एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज सेंटर हेड फॉर आचार्य क्लासेस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास कुमार है। मेरा स्कूलिंग यहीं से स्टार्ट हुआ था, आरा सिटी से ही, सो ये मेरा बेसिकली होम टाउन हुआ। देयर आफ्टर मैं कोटा गया, मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ कोटा से। फिर मैं पुणे यूनिवर्सिटी डीवाई पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ और वहाँ पर मैंने अपना एक मैकेनिकल कंपनी भी स्टार्ट किया था। फिर मैं भारत के डिफेंस कंपनियों के साथ मिलकर के काम किया। फिर मैं कोटा में अगेन मैं बैक गया और 2 साल मैं कोटा में फिर से काम किया हूँ। मैं 2019 में अवंती लर्निंग सेंटर से जुड़ा और 2020 से हम लोग बेगूसराय आचार्य क्लासेस में कार्यरत हैं, एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अगेन फिर से अपने होम टाउन में प्यारा आरा मैं फिर से मैं आ गया हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, मैं निक्की झा, मैं आचार्य में केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। मैं अब मैं ये बताता हूँ कि मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट किया टीचिंग सेक्टर में आने के लिए। मैंने अपना प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट से ही मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद मैंने विद्या मंदिर क्लासेस को ज्वाइन किया, फिर मैं करियर पॉइंट में पढ़ाया और पिछले 1 सालों से मैं आचार्य क्लासेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आचार्य में मैं पढ़ा रहा हूँ और अभी आरा में मैं आचार्य के साथ जुड़ा हूँ और आरा के बच्चों को एक सही मार्गदर्शन के साथ साथ एक सही उद्देश्य के साथ साथ मैं आईआईटी जेई और नीट की तैयारी प्रिपरेशन एक सही ढंग से करूँगा। और मैं बच्चों के साथ ये कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे हमारे साथ यहाँ जो आ रहे हैं वो भले मेरे लिए स्टूडेंट हो, बच्चे
अपने गार्जियन के लिए बच्चे होंगे, अपने घर के लिए, लेकिन अगर मेरे साथ अगर कोई आ रहे हैं तो अपने वो गार्जियन के एक उम्मीद आ रहे हैं। अगर हमारे क्लास में कोई बच्चा बैठा हुआ है तो वो गार्जियन का एक उम्मीद बैठा हुआ है, और उस उम्मीद को बरकरार रखने के लिए मैं बच्चों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मेहनत जो है आप पूरी लगन से करें और सफलता जीवन में पाए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र कुमार यादव, मैं आचार्य में मैथ फैकल्टी हूँ। मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ है, जिसमें मैंने बीएससी मैथ्स किया हुआ है और एमएससी मैथ्स किया हुआ है। बाकी आप लोग आइए, सेंटर विजिट करिए, आचार्य में अपना करियर बनाइए। थैंक यू सो मच। और मैं आचार्य क्लास में एज ए मैथ फैकल्टी हूँ, और मेरी जो पूरी स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक की जो पढ़ाई हुई है वो रांची झारखंड में हुई है, और मैंने मेरे पास 10 साल का ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने डिफरेंट कोचिंग्स में 10 साल पढ़ाया है, और ऑनलाइन में मैंने अनअकैडमी जो इंस्टीट्यूशन है उसमें 2 साल तक डाउट सॉल्विंग एजुकेटर के रूप में पढ़ाया है, और एक चेग जो अमेरिकन ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है उस पर भी मैंने कुछ समय तक एज अ टीचर वहाँ पर काम किया है। तो बस मैं यही कहूँगा कि हम लोग आचार्य क्लास में हम लोग का मेन मोटिव ये है कि यहाँ पे पढ़ाई को क्या बनाना, एक बोझ की तरह नहीं करना, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है। तो बस मैं यही कहूँगा कि चलिए हम लोग साथ, आप लोग पढ़ें, हम लोग पढ़ाएँ, और मिल करके हम लोग कुछ बड़ा करके दिखाएँ। थैंक यू वेरी मच। मेरे यहाँ पे मेरे सारे हम लोग के सारे फैकल्टीज़ भी है जो आचार्य क्लासेस आरा में पढ़ाने वाले हैं, तो उनका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए मेरे साथ साथ। सो आई वांट टू कॉल विकास सर फर्स्ट, है ना। हाय एवरीवन, सो मेरा नाम विकास कुमार है और मैं यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। बाकी विल हैव फन, विल मैं फिर नेक्स्ट अपने कली को बुलाना चाहता हूँ। निक्की झा सर, प्लीज़ वेलकम। हाय फ्रेंड, आई एम निक्की झा, मैं यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ हम एक ही नारा देना चाहते हैं कि हमारा एक ही सपना कि आरा को पटना और कोटा बनाना। हम लोग के साथ सुरेंद्र सर है, प्लीज सर। हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र यादव, आचार्य फैकल्टी में मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा मैं, और क्या है कि जितने भी सर लोग हैं सब लोग मिल करके कोटा को यहाँ पे लाया गया है। हम लोग कोशिश तो यही की गई है, बाकी आप लोग हमारे साथ जुड़िए, फिर उसके बाद देखा जाएगा। देखेंगे, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल, हम कितना भी बोले कि हम अच्छे हैं, हाँ, इसका कोई मतलब नहीं होता है। आप देखें, इसीलिए मैं कहा आप लोग हमसे जुड़े, फिर उसके बाद आप देखिए, फिर आप देखते हैं एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हम लोग के साथ अनिल सर है, प्लीज सर। हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिल कुमार सिंह, मैं यहाँ पे आचार्य क्लासेस में मैथ का टीचर हूँ, और आचार्य क्लास आरा में शुरू होने करने का जो मेन मोटिव ये है कि जो भी स्टूडेंट जो आईआईटी के लिए चाहे नीट की तैयारी के लिए आरा छोड़ के बाहर जाते हैं, उनको बाहर ना जाना पड़े, उनको आरा में ही वो उसी लेवल का या फिर उससे अच्छे लेवल का जो पढ़ाई आरा ही मिल सके, जिसके लिए वो कोटा या दिल्ली जाते हैं। तो बस यही मेन मोटिव है, और इसके पीछे हम लोग काम कर रहे हैं, बस आपके सहयोग की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये हम लोग के सारे फैकल्टीज़ है ना, और भी फैकल्टीज़ हम लोग के साथ जुड़ेंगे और जुड़े हैं जो आज अभी नहीं है हम लोग के साथ। बट एनीवेज, एक मैसेज हम लोग देना चाहेंगे कि जो भी बच्चे हम लोग के साथ एडमिशन लिए हैं क्लास 8, 9, 10th में, उनका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा विच इज़ शेड्यूल्ड ऑन 8 अप्रैल फ्रॉम 4 PM, 4 बजे से वो टेस्ट है। हम लोग 10 तारीख से अपना क्लासेस शुरू करेंगे 8, 9, 10th के लिए, और 11, 12th के लिए 10 से हम लोग क्लासेस अपना शुरू करेंगे। दूसरा चीज़, अभी तक हम लोगों ने इस सेंटर में आरा में लगभग 200 एडमिशन कर चुके हैं, और अगर और भी बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं, 10 तारीख से पहले अपना एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।